कहानी, ये है मेरी कहानी। मेरी जावेद साहब से मुलाकात हुई, मैं एक फिल्म में काम कर रहा था, उस फिल्म का नाम था सरहदी लुटेरा। ये वहाँ डायलॉग असिस्टेंट थे, फिर ये मेरे करीब आए और मैं उस फिल्म का हीरो था तो ऑफकोर्स थोड़े से वो मुझसे चुप के मिलते थे कि भाई ये फिल्म का हीरो है, मैं असिस्टेंट हूँ। और वहां से मुलाकात हुई, कॉमन इंटरेस्ट फिल्म था, वो बनने आए थे डायरेक्टर, तो वहां से मुलाकात हुई। फिर सिप्पी फिल्म में हम दोनों को काम मिल गया एज ए राइटर, काफी साथ रहते थे, आना जाना साथ होता था, फिर साथ धीरे 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 वी स्लिप्ड इनटू वर्किंग टुगेदर। लास्ट फिल्म थी वो हमारी साथ में, वो थी शक्ति। वैसे अगर आप दोस्ती और पार्टनरशिप अगर दोनों का वक्त मिला तो करीब 15 साल की करीब करीब एसोसिएशन थी, और 15 साल बहुत अच्छे गुजरे। और टूटने के बाद ऑब्वियसली मुझे लगा था, तकलीफ भी हुई थी, मुझे बुरा भी लगा था कि जो चीज इतनी मेहनत से बन गई थी और एक विनिंग टीम थी उसको क्यों टूटना चाहिए, क्यों, वाई। बट एनीवे, शायद हर चीज की दुनिया में एक एक्सपायरी डेट होती है, इसकी भी एक एक्सपायरी डेट थी। फिर उसके बाद मेरा तो काम करने का इरादा भी नहीं था, मगर मेरी इकोनॉमिकल मजबूरी थी। मेरी सबसे बड़ी बात तो ये हो रही थी कि जो लोग कल तक दोस्त थे और अब वो कल से राइवल हो जाएंगे, कल से उनमें बोला जाएगा कि इसमें कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन काम करता था, कौन नहीं काम करता था। थोड़ा सा लोगों का मिसकॉन्सेप्ट ये भी है कि जब भी मैं अलग भी हुआ इनसे, जावेद से, इवन राइटरों ने ये सवाल पूछा, कुछ सेंसिबल लोगों ने ये सवाल पूछा, और मुझे बहुत ही हैरत होती थी कि आप दोनों में लिखता कौन था। कहा